यस सर। ठीक है, और हमने कोई फॉर्मूले भी करे थे? सर साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, इन सब के कर रहे अच्छा, बेसिक वाले करे ना अभी तो, है ना? थे बस। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, एक फॉर्मूला लिखो, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होएगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको डिराइव करके देखो जरा। करो इसको डिराइव, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो करो जरा। कर रहे हो? यस सर। सर हो गया। ठीक है, यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला फॉर्मूला लिखो, कॉस इनवर्स 1/x, ये होगा आपका सेक इनवर्स एक्स, और इसमें आपका एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स 1/x होगा आपका कॉट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, और एक आएगा इसका -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ये जरा प्रूव करो, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसका प्रूफ बता दो एक बार। देखो, जैसे ही हमारा टेन इनवर्स एक्स है ना, तो जो मैंने लॉजिक बताया था उसी उसी के हिसाब से चलते हैं। थीटा मान के हाँ, थीटा मान के, मतलब मेन बात क्या है वो देखते हैं। देखो, टेन इनवर्स 1/x क्या है भाई? बेसिकली तो ये कॉट इनवर्स एक्स होना चाहिए, ऐसे ही तो होना चाहिए, है ना? सर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो केस हैं, एक एक्स पॉजिटिव है और एक एक्स नेगेटिव है। तो जब एक्स पॉजिटिव है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्यों 0 to π/2? क्योंकि कॉट इनवर्स में एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, बोलो? 0 से π करता है, π/2। ठीक है, तो जब एक्स 0 to π/2 है पहले, तब की बात कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स को लेट कॉट इनवर्स एक्स इज थीटा, तो एक्स विल बिकम क्या? कॉट थीटा। तो 1/x विल बिकम क्या? टेन थीटा। सिंपल है, बोलो। सर। अब यहां देखना जरा ध्यान से। अब मैं दोनों तरफ टेन इनवर्स ले रहा हूं, तो टेन इनवर्स 1/x इज टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। अब ये तब कटता है जब थीटा प्रिंसिपल रेंज में होती है, और टेन की प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2 है या नहीं है? यस सर। कॉट इनवर्स एक्स में एक्स की रेंज एक्स से 0 से π नहीं होना चाहिए वहां पे। होना चाहिए ना, मैंने तो भी एक्स पॉजिटिव लिया है ना, तो कॉट इनवर्स एक्स में जैसे आपका कॉट इनवर्स 1 है, तो ये तो π/4 होगा, लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ -1 लिखूंगा तो
तो पाई माइनस पाई बाई फोर आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो कॉट इनवर्स की रेंज तो जीरो टू पाई होगी, बट पॉजिटिव वैल्यू के लिए रेंज जीरो से पाई बाई टू है और नेगेटिव वैल्यू के लिए रेंज पाई बाई टू से पाई है। तो सर वहां पे x की जगह cot इनवर्स x नहीं लिखना चाहिए व्हेन x मैंने ग्रेटर लिखा, देन 0? अरे लिखा तो है कि जब x ग्रेटर देन जीरो है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ कि भाई cot इनवर्स में x आपका जीरो से पाई होता है, होता है या नहीं होता? यस सर। ठीक है, तो जब x पॉजिटिव होगा तो x आपका जीरो से पाई बाई टू होगा। सर वो तो 0 से पाई में भी पॉजिटिव है, कहाँ पॉजिटिव है भाई? x x x x पॉजिटिव है सर, cot इनवर्स x नेगेटिव है ना। कॉट इनवर्स एक्स में एक्स जो है वो पॉजिटिव जब है तो ये जो वैल्यू है, अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो, अच्छा थीटा लिखना होगा मुझे, मतलब ये थीटा। यस सर वही कंफ्यूजन है। ठीक है, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो थीटा आपका जीरो टू पाई बाई टू है, तो वो कैसे लिख दिया था? ठीक है, तो एक्स कॉट थीटा हो गया, तो यहाँ अब समझ में आ गया ना, फिर तो डाउट खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो ये थीटा आ गया, तो थीटा आ गया आपका टेन इनवर्स वन बाई एक्स। तो हमने पहले किसको माना था थीटा? कॉट इनवर्स एक्स को, तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि कॉट इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स वन बाई एक्स। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम जब एक्स नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है दैट इज, अब कॉट इनवर्स एक्स हमारा थीटा था, तो एक्स नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? थीटा बिलोंग्स टू क्या? पाई बाई टू से पाई, बिल्कुल, तो पाई बाई टू से पाई। तो यहाँ देखो अब जरा, तो ये था वन अपॉन एक्स बराबर टेन थीटा, वो तो एज इट इज चल रहा है, वन अपॉन एक्स बराबर टेन थीटा, तो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स होगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। बोलो। यस सर। तो टेन वन अपॉन एक्स जो है वो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा होगा। तो अब ये कटेगा या नहीं कटेगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा? सर नहीं कटेगा क्योंकि प्रिंसिपल रेंज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अब तो ये नहीं कटेगा, तो यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा बताओ आप? टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स विल बिकम, अब थीटा जब आपका पाई बाई टू से पाई है ये, तो अब क्या करें? पाई माइनस थीटा करूंगा तो काम हो जाएगा क्या? देखो चेक करो, हो जाएगा सर पाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले मैं, फिर चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, तो इसको अगर हम माइनस बाहर लगा दें तो ये प्रॉपर टेन थीटा आ गया या नहीं आ गया? यस सर। तो ये जब हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये थीटा माइनस पाई आएगा। अब ये चेक करो थीटा माइनस पाई प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है, तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू और ये हो गया जीरो, तो आ गया या नहीं आ गया टेन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में? यस सर आ गया, आ गया, तो लॉजिकल है बिल्कुल ये। तो यहाँ से आया आपका टेन इनवर्स वन बाई एक्स इज थीटा माइनस पाई, राइट? यस सर। समझ में आ गया सबको? तो टेन इनवर्स वन बाई एक्स क्या हो गया आपका? माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर एक्स नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझे नहीं लगता ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डोंट नो, मुझे पता नहीं है, देख लेना। फॉर्मूला है लेकिन प्रूफ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया ना प्रूफ क्या है इसका? यस सर। ठीक है, लिख लो लिख लो। फिर और फॉर्मूले देखते हैं, हटा दूं सर वो माइनस कैसे आया अंदर वाले ब्रैकेट में? यहाँ पर ये क्योंकि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, लाना है मुझे टेन थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया टेन थीटा। ओके सर, ओके सर। फिर वो माइनस अंदर ले गए तो वो टेन ऑफ थीटा माइनस पाई हो गया। यस सर।
सर जो बचे हुए मतलब साइन और कॉस के फॉर्मूले थे उसमें नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता? क्या बोल रहे हो सर? जो अगर जैसे इसमें हमने एक्स की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग अलग केस लिया था, सर वैसे साइन और कॉस में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं तो नहीं पड़ेगा ना, उसमें करके देखते हैं। पहले ये हटा दूं? यस सर। ये लिख लिया हो तो फिर उसकी बात करते हैं दोबारा। ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। वहां पर देखो साइन इनवर्स में मैंने क्या बताया था, करो अपने आप ट्राई करो, तभी तो मैंने बोला था प्रूव करो, तुम लोगों ने बोला कर लिया तो मुझे लगा हो गया होगा। करो आगे, करो एक बार ट्राई करो अपने आप। ये हमने प्रूव करा था साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉस एक इनवर्स एक्स की बात हो रही है। करो ट्राई, एक मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, एक्सक्लूडिंग जीरो। यस सर। तो यानी कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा इस केस में तो पहला क्वाड्रेंट, और नेगेटिव होगा तो दूसरा क्वाड्रेंट। बोलो, बताओ सर। पॉजिटिव के लिए फर्स्ट और नेगेटिव के लिए फोर्थ। हाँ, नेगेटिव के लिए फोर्थ। हाँ तो वो तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में आ जाएगी लाइन। हाँ तो बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर कुछ भी हो कट जाएगा, वो कट जाएगा, तो ये इन एनी केस थीटा ही आएगा, और थीटा कॉसेक इनवर्स एक्स ही है। तो बस हर तरीके से, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x ही आएगा। तो दिक्कत तो टेन इनवर्स वाले में हो रही थी ना, इसमें नहीं हो रही है। देखो अब दूसरा भी करते हैं, पहले ये लिख लो फिर दूसरा भी करते हैं प्रूफ। हर चीज बहुत लॉजिकल है, वो एनसीईआरटी में हो सकता है नहीं समझाया हो ढंग से, बट ये सब हमें पता होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू का ही खेल है सारा। सर इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई हमें, मतलब पाई वगैरह माइनस प्लस क्यों नहीं करना पड़ा? क्या बोल रहे हो? इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि इसमें जो ये थीटा है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा तब कटता है जब थीटा प्रिंसिपल रेंज में होता है, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होना चाहिए। तो इसमें क्योंकि ऑलरेडी कॉसेक इनवर्स एक्स को जब हमने थीटा माना है, तो इसमें थीटा अपने आप ही इसी रेंज में ही होता है, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जीरो से पाई होता ही नहीं है। तो जब जीरो से पाई है ही नहीं थीटा, तो फिर प्रॉब्लम का है? कहीं यानी नहीं है प्रॉब्लम। वहां पर क्या था, वो टेन इनवर्स टेन थीटा बन रहा था, और यहाँ कॉट इनवर्स था, तो कॉट इनवर्स में थीटा जीरो टू पाई होता है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा में वो कटेगा ही नहीं। सर इसमें प्रिंसिपल रेंज सेम आ गया, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली यस। ठीक है, वो भी देखते हैं एक और, दैट इज कौन से वाला था, वो कॉस कॉसेक वाला, कॉस वाला, उसको भी कर लेते हैं। एक सेकंड, ये हमारा कॉस इनवर्स 1/x इज सेक इनवर्स एक्स। लेट सेक इनवर्स एक्स इज थीटा, तो एक्स विल बी क्या, सेक थीटा। पहले थीटा बताओ कहां से कहां तक लाई करेगा, अगर sec inverse x को हम थीटा मानते हैं 0 टू पाई, सो 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 है ना? यस बस आप कर लो इसको। तो
तो थीटा क्या आ गया आपका, सॉरी एक्स क्या आ गया आपका सेक थीटा, तो वन अपॉन एक्स क्या आ गया आपका सॉरी कॉस थीटा, तो दोनों तरफ कॉस इनवर्स लो, तो कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आ गया। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा कब होगा, जब थीटा जीरो टू पाई आएगा, और वो आ ही रहा है, बात ही खत्म हो गई। देखो सर पाई बाई टू वो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ दो तो बाकी तो कटेगा ही ना, वो तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, उस पे तो कुछ होगा ही नहीं, उस पे तो अनडिफाइंड हो ही गया, वो तो पहले ही लिख देंगे ना। ओके सर, समझ में आ गया सबको ये फॉर्मूले? यस सर। ठीक है गुड, अगला फॉर्मूला इसी कंसेप्ट से देखते हैं। tan इनवर्स 2x, पहले ये करो ना, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, पहले फॉर्मूला लिख लो, tan इनवर्स x + y / 1 tan inverse x plus y upon 1 minus xy। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तब वैलिड है जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, यानी कि 1 minus xy is positive, यानी कि xy is less than 1, तब ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, सही है। अच्छा मैं भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसमें पाई ऐड होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब दो बातें हैं, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो एक्स वाई वन से बड़ा है, तो एक्स वाई वन से बड़ा है, तो अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड एक्स वाई वन से बड़ा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इसमें हम माइनस पाई ऐड करेंगे, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड एक्स वाई आपका नहीं सॉरी पॉजिटिव का तो हम ले चुके हैं ना, तो अब हम दोनों का नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, जब एक्स वाई वन से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे या दोनों नेगेटिव ही होंगे, ऐसे ही होगा या नहीं होगा? यस सर। यानी कि तीसरा केस बनेगा, इफ एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, कोई डाउट? चलो ये प्रूव करते हैं सर, अगर एक्स वाई लेस देन वन हो गया तो फिर क्या होगा? एक्स वाई लेस देन वन तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग तो रहा है, ये वाला सर ऊपर वाले केस में इनका पॉजिटिव नेगेटिव होना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस एक्स वाई जो है वन से छोटा होना चाहिए। ओके सर, इसको प्रूव करते हैं। चलो इसके, अब इसके ना एक्स वाई लेस देन वन के डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं, एक कोई एक एक एग्जांपल लेता हूँ उससे समझाता हूँ। फॉर्मूला लिख रखा है तुमने? यस सर। ठीक है, ये है आपका लेट, ये हमारा क्या है, हमने लिया है कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव ले देते हैं ना, तो टैन इनवर्स एक्स को कुछ मान लो एंगल से ए, एंड टेन इनवर्स वाई को भी कुछ मान लो एंगल से बी, सही है? यस सर। ठीक है, तो अब हम यहां से अगर हम देखें तो एक्स हो गया आपका टेन ए एंड वाई हो गया आपका टेन बी, तो फॉर्मूला लगेगा टेन ऑफ ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं ये केस लेता हूं एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, चलेगा? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं अभी एक्स वाई लेस देन वन वाली, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई इज लेस देन वन, अभी हम बेसिक केस ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो x पॉजिटिव का मतलब क्या है, x आप tan इनवर्स x a है, बताया था tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, अगर x पॉजिटिव होगा तो a आपका जीरो टू पाई बाई टू आएगा, और अगर आपका y पॉजिटिव होगा तो b आपका जीरो टू पाई बाई टू आएगा, सिंपल। यस
सर एक्स वाई लेस देन वन कैसे हो गया? वही वाला केस तो ले रहा हूँ, पहले वाला सबसे टॉप वाला, ये वाला एक्स वाई लेस देन वन वाला केस ले रहा हूँ। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव पर x y 1 से छोटा हो सकता है ना? मान लो मैंने एक को 0.1 ले लिया, एक को 0.2 ले लिया, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर, यस। ठीक है, सिंपल है, ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, अब क्योंकि अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि a प्लस बी जीरो से पाई आएगा। ये देखो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ए प्लस बी आपका जीरो से पाई आएगा। यस सर। ठीक है, अब यहां देखना, ए प्लस बी जीरो से पाई और एक्स वाई लेस देन वन है, एक्स वाई क्या है? लेस देन वन। अब यहां देखो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। यानी कि टेन ऑफ ए प्लस बी पॉजिटिव हो गया। टेन ऑफ ए प्लस बी पॉजिटिव, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। टेन ऑफ थीटा पॉजिटिव, तो ए प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सिंपल? यस सर। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर ए प्लस बी आ रहा है आपका जीरो टू पाई, पहले देख चुके हैं, और यहां से आ रहा है ए प्लस बी फर्स्ट और थर्ड में, तो कॉमन कौन सा होगा? कॉमन फर्स्ट होगा या नहीं होगा? यस होगा। यस सर। अब अगर कॉमन फर्स्ट होगा तो यहाँ देखो, अब इस वाले मेन फॉर्मूले पर आ जाओ। अब मैं दोनों तरफ टेन इनवर्स ले रहा हूं, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी, ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब यहाँ देखो, ये a प्लस बी जीरो टू पाई बाई टू है, तो कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा सर। कट जाएगा, हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर ये कट जाएगा तो सीधे सीधे हमारा आ जाएगा ये a प्लस बी बराबर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एंड a क्या था हमारा टेन इनवर्स x, और b क्या था हमारा टेन इनवर्स y। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, बशर्ते xy is less than 1, उसमें मैंने एक particular case, that is x and y both positive के लिए समझा दिया है। और cases पे भी हम समझा सकते हैं। अगर मैं देखो यही साइड में लिख दूं, मान लो मैं एक और केस लू, ऐसे ही बता रहा हूँ, x less than 0 और y less than 0 का केस ले लू इसी में, क्योंकि अगर xy less than 1 है तो दोनों negative हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, हो सकते हैं। तो जब हमने यस यस, तो इस हिसाब से एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और ये वाला नीचे वाला पॉजिटिव, तो टोटल नेगेटिव आ गया, टोटल नेगेटिव आ गया। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से देखो, कहां से बता रहा हूँ, यहाँ से, जब टोटल नेगेटिव आ गया तो इस वाले फॉर्मूले से टेन ऑफ ए प्लस बी नेगेटिव आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो टेन ऑफ ए प्लस बी नेगेटिव, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी या तो सेकेंड में है या फोर्थ में है। यस सर, ये इसी, ये फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ चेंज नहीं करा है मैंने। अब यहाँ देखो, क्योंकि x और y नेगेटिव हैं, तो जब x नेगेटिव होगा तो हमारा tan इनवर्स x को a माना हुआ था, तो x आपका माइनस पाई बाई टू से जीरो आया, y नेगेटिव तो y आपका माइनस पाई बाई टू से जीरो आया, नहीं 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 a हो गया ना, सॉरी a और b आपका माइनस पाई बाई टू से जीरो आएगा, तो a प्लस बी आपका माइनस पाई से जीरो आएगा। थोड़ा ध्यान से समझो, आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखना जरा, अब a प्लस बी, और वैसे मैंने देखा कि a प्लस बी या तो सेकंड में होना चाहिए या फोर्थ में होना चाहिए, तो अगर हम ऐसे देखें तो सेकंड और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो या तो ये है या तो ये है, फोर्थ, फोर्थ सर। तो कॉमन कौन सा होगा, फोर्थ होगा या नहीं होगा? फोर्थ, फोर्थ सर। और इस हिसाब से माइनस पाई यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, ऐसे चल रहा हूँ अब मैं, तो यहाँ माइनस पाई बाई टू होगा, तो ए प्लस बी कायदे में माइनस पाई बाई टू से जीरो होगा या नहीं होगा? यस सर। और माइनस पाई बाई टू से जीरो होगा तो कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा सर। तो यानी कि सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। तो ये है बात, समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे कहीं भी कर लेना, मतलब जब जब एक्स वाई लेस देन वन होगा तब तब कुछ ऐड नहीं होगा, सीधे सीधे क्रॉस होगा,
tan inverse x plus tan inverse y will become tan inverse x plus y upon 1 minus xy. सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, नोट करना है। अच्छा पुराने वाला नो सर, नीचे मतलब थोड़ा नीचे। ठीक है ना? यस सर, अब नीचे कर दो। ठीक है, हाँ सर बता देना पूरा ऊपर चाहिए तो बोल देना, लिख लेना, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए। डन सर। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दो और नीचे करना। ठीक है सर, और नीचे। ठीक है यस सर। अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो फिर क्या करेंगे? तब भी ऐसे ही होगा ना, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन, तो तब भी यही चीज बनेगी। एक आ जाएगा आपका 0 to π/2, एक आ जाएगा आपका -π/2 to 0। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा वो देख लेना, है ना? ओके सर, एक और बार कोई सा भी केस समझा दीजिए। चलो इसी वाले में, इसी के पार्ट में है ना, एक्स वाई लेस देन वन की बात हो रही है ना अभी, सिर्फ एक्स वाई लेस देन वन। यस सर, समझा दीजिए। ठीक है ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम चल रहा है, एक्स वाई लेस देन वन, तो मतलब जो हमारा ये था, कहाँ था ये था tan of a plus b आया था, दोबारा लिख रहा हूँ, x plus y upon 1 minus xy। अब केस लेता हूँ कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये ले लेते हैं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो जब x पॉजिटिव y नेगेटिव है उस केस में ये वाला टर्म क्या होगा बताओ, ये x, ये वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही है, यस सर, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, तो मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देख लो कि या तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई सा भी केस ले लो तुम, जो तुम्हें पसंद आए उसी के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा ये। तो मान लो तो ये हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं हाँ ठीक है, आ सकता है ना? तब तो इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा, तो हमें एक केस तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, जो पॉसिबिलिटी है उसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव पे जो पॉसिबिलिटी है वो ले लो, कि भाई एक्स पॉजिटिव लिया मैंने वाई नेगेटिव लिया, तो मान लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है इसका कम है, तो हम टोटल को पॉजिटिव मान लेते हैं, चलेगा? यस सर। तो टोटल को पॉजिटिव, तो ए प्लस बी या तो सेकेंड सॉरी थर्ड में या फर्स्ट में, और यहां से x पॉजिटिव, तो tan इनवर्स x था a, तो a आपका 0 to π/2 हुआ, और tan इनवर्स था b, तो b आपका -π/2 से 0 हुआ, तो जब हम a प्लस b करेंगे तो आपका -π/2 से π/2 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। इन दोनों का कॉमन लेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 में कट जाएगा, बात खत्म। ओके सर। और बाय चांस मैं ऊपर वाले को नेगेटिव मान लूं तो ये सेकंड और फोर्थ आ जाएगा, तो फिर कॉमन लूंगा तो फोर्थ वाला कॉमन होगा, फिर से कट जाएगा। यस सर। मतलब जब जब एक्स वाई नेगेटिव होगा, जब जब एक्स वाई नेगेटिव होगा तब तक हम कोई भी पॉसिबिलिटी ले लें, आंसर इसका यही आएगा।
लिख लो लिख लो। लिखो फिर आगे बढ़ूं। सर हाँ जी हाँ सर जब एक्स वाई ग्रेटर देन वन होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का केस लेंगे। एक्स वाई अगर ग्रेटर देन वन होगा वो तो भी बात की बात है, अभी लेस देन वन की बात तो क्लियर हो गई ना। यस सर। एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा, ये नीचे वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा है ना, वन माइनस एक्स वाई निगेटिव हो जाएगा। फिर हम कोई भी केस ले लें, अब एक्स वाई अगर ग्रेटर देन वन है तो ये दोनों या तो निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, और कोई तो तरीका ही नहीं है ना। यस सर। बस तो केस लेके करते हैं उसको भी सॉल्व अभी। सर तो इसमें अगर एक्स वाई लेस देन वन है इसी केस में तो हमेशा या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा एक्स, या थर्ड थर्ड मतलब सॉरी सेकंड या फोर्थ। नहीं, कहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं पे भी लाई कर जा रहा है वो तो। सारे केस तो बता दिए कि जब एक्स वाई लेस देन वन है तो उस केस में हमने एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव लेके भी कर लिया, दोनों को नेगेटिव लेके भी कर लिया है ना। ठीक है सर। ये वाला जो फॉर्मूला ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा या एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका? बस मैं इस वाले फॉर्मूले की सर बात, पूरा है, पूरा है, टेन इनवर्स वाला ना सर, पूरा है सही। मतलब तीनों तीनों पार्ट है ना ये वाले? यस सर यस। हाँ ठीक है, तो इसका ये डेरिवेशन है। अब ये वाला भी डिराइव करेंगे, एक ये वाला केस अपने आप ट्राई करो पहले तुम। एक्स वाई ग्रेटर देन वन के साथ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, फिर एक्स वाई ग्रेटर देन वन के साथ एक्स वाई दोनों नेगेटिव, ये वाला भी केस ट्राई करो। एक्स वाई ग्रेटर देन वन, ये कर लिया ना, ये वाला तो हो गया। अब मैं इसको ऊपर कर दूं, वो तो सब चीजें सेम रहेंगी ना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एक्स हो गया टेन ए एंड आपका, सॉरी ये वाई था, वाई हो गया आपका टेन बी, तो आपका टेन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला हो गया? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी,
तो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये तो हो गई होगा ना। अब हम बात करोगे मुझे काम इससे, अब इसमें क्या है अगर हम बात करें तो ये होएगा आपका एक्स वाई लेस देन वन, ग्रेटर देन वाला केस पढ़ रहे हैं ऑल ऑफ यू क्लियर। तो ग्रेटर देन वन मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ये वाला केस ले लेता हूं पहले बोलो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस, क्योंकि प्रोडक्ट हमें वन से बड़ा यानी कि पॉजिटिव करना है, प्रोडक्ट क्या करना है हमें पॉजिटिव करना है, सिंपल है। Yes. तो tan इनवर्स x आपका a है, tan इनवर्स x a है और x को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो a आपका 0 टू पाई बाई 2 आ गया और b भी आपका 0 टू पाई बाई 2 आ गया। अब क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है x और y, तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव पर डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, तो इससे ये पता चल गया कि a प्लस बी या तो सेकेंड में है या a प्लस बी फोर्थ में है, a प्लस बी सेकेंड में है या a प्लस बी फोर्थ में है, राइट? यस सर। अब कर लो सर, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी a प्लस बी जीरो टू पाई आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट वाली बात पे आ गए हम, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई बाई टू से पाई, तो अब ये तो पक्का हो गया कि अब ये डायरेक्टली तो कैंसिल आउट होगा नहीं, है ना? तो यहां से ये आ रहा था ना हमारा, तो अगर हम टेन इनवर्स लेते हैं अब, तो टेन इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना भी वाली स्टेप, टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से a प्लस बी आ गया आपका पाई बाई टू से पाई, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कटेगा नहीं, तो इसको हमने लिखा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, फिर देखेंगे अब पाई माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस लगाया उसी पहली स्टेप की तरीके से, आई थिंक करेक्ट है। yes, तो ये फाइनली आ गया आपका टेन इनवर्स ऑफ क्या, टेन ऑफ क्या, ए प्लस बी माइनस पाई, राइट और ये हो गया आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब ये ए प्लस बी माइनस पाई चेक करते हैं, तो ए प्लस बी में जब मैं माइनस पाई ऐड करूंगा तो ये माइनस पाई बाई टू आ गया, ये जीरो आ गया, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा? यस सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी माइनस पाई equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, तो a क्या हुआ आपका tan inverse x, b क्या हुआ tan inverse y, तो ये हो गया आपका tan inverse x plus tan inverse y equals to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, this is the result। यही बताया था अभी फॉर्मूले में या नहीं? यस सर। तो आ गया, ये प्रूव हो गया सेकंड फॉर्मूला। यस सर। नाउ ट्राई फॉर थर्ड, ऊपर का दिखाना सर, ऊपर का दिखाना। अच्छा करता हूँ, यहां से स्टार्ट किया शायद मैंने, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो इसमें क्या था ना, एक्स वाई ग्रेटर देन वन वाला केस ले रहे हैं, तो एक्स वाई ग्रेटर देन वन तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन वन मतलब एक्स का और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इधर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, पहले मैं बोथ पॉजिटिव का केस ले रहा हूं, सही है? ओके सर। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव, टोटल नेगेटिव तो a प्लस बी या तो सेकंड में आएगा या तो फोर्थ में आएगा, राइट? यस सर, ठीक है। अब ये tan इनवर्स x a है, tan इनवर्स y b है, तो यहाँ पर x और y दोनों को पॉजिटिव लिया, तो अगर x पॉजिटिव है तो a आपका 0 टू पाई बाई 2 होगा,
यस सर। और y पॉजिटिव है तो b भी आपका 0 टू पाई बाई 2 होगा। यस सर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो 0 टू पाई आएगा। यस सर। ठीक है, और यहां से पहले इंटरप्रेट कर चुके हैं कि a प्लस बी या तो सेकंड में या तो फोर्थ में है, तो कॉमन 0 टू पाई के साथ लेंगे तो सेकंड आएगा, तो a प्लस बी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। बोलो। ओके सर। और सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन कहां कहां से आएगा? पाई बाई टू से पाई है, पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू टू पाई। तो अब बस यहां पर देखो तो पाई बाई टू टू पाई है, तो ये तो कटेगा तो है नहीं। ओके सर। उसको प्रिंसिपल रेंज में लाएंगे तब कटेगा। मेरे ख्याल से लॉजिकली समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, लिख लो फिर अगला ट्राई करो। सर नेक्स्ट वाले में तो फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन आएगा ना? हाँ देख लो, फोर्थ आएगा तो फोर्थ से हो जाएगा, देखो करके देखो। हाँ जी हो गया, अगला ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। कर लिया या भी सर कर रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है, कह रही हूँ।
थर्ड केस भी यही है, टेन इनवर्स एक्स ए है एंड टेन इनवर्स वाई आपका बी है ना, तो एक्स आ गया आपका टेन ए एंड वाई आ गया आपका टेन बी। तो अगर कौन सा केस लेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी, पहले फॉर्मूला लगाओ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें आपका एक्स वाई ग्रेटर देन वन है, इसमें अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो ये नेगेटिव होगा। यस सर। अब हम दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, तो दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी बिलोंग टू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स नेगेटिव है तो यानी कि ए लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू जीरो, वाई नेगेटिव है तो बी ऑल्सो लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू जीरो, तो इट मीन्स ए प्लस बी विल लाई बिटवीन माइनस पाई टू जीरो। तो अगर अब थोड़े से बस इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, ये गलती हो जाती है कि माइनस पाई टू जीरो तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो अब कायदे में जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो ये है, माइनस पाई से और माइनस क्या बोलो, माइनस माइनस पाई बाई टू, हाँ लिख लो उससे हो जाएगा ये, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, तो वो बेटर रहेगा उससे कर लो। समझ में आ गया होगा सबको? यस सर, हो गया था। हाँ ठीक है, गुड। किसी का नहीं हुआ हो तो बताओ। ये आ गया आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे टेन ऑफ ए प्लस बी को पाई प्लस ए प्लस बी, क्योंकि टेन ऑफ पाई प्लस थीटा इज टेन थीटा, राइट, सो दैट इज एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो अब पाई, ये ए प्लस बी है ना, तो पाई प्लस ए प्लस बी करने पर क्या होगा, पाई माइनस पाई जीरो, पाई माइनस पाई बाई टू इज पाई बाई टू, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो दोनों तरफ टेन इनवर्स लेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, बोलो। यस सर। चलो ऊपर ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा फाइनली टेन इनवर्स, तो प्रॉपरली लिख रहा हूँ मैं इसको, टेन ऑफ पाई प्लस ए प्लस बी, दिस विल बिकम क्या, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब ये अगर हमारा कटेगा तो पाई प्लस ए प्लस बी विल बी टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये आएगा आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, यस सर, आगे बढ़ो, पहले लिख लो फिर मैं अगला फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या देखा हमने कि अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर वालों टर्म्स के बारे में सोचना ही नहीं है, तो एज इट इज कट जाएगा। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो अगर ऊपर वाले टर्म्स पॉजिटिव है तो पाई एड होगा, और ऊपर वाले टर्म्स नेगेटिव है तो माइनस पाई एड होगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा दूंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अब देखो अगला फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ये होगा आपका सबसे पहले वाला टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई वाला। ये कब होगा, मैं बार बार बोल के चल रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव या नेगेटिव पे है ना, तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो बात ही खत्म हो गई, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन, सही है। बोलो, दोबारा बताना एक बार, डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा, जब वन प्लस एक्स वाई पॉजिटिव होगा, और वन प्लस एक्स वाई कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन होगा,
यस सर। अब अगर एक्स वाई लेस देन माइनस वन है तो उसके दो केस होंगे, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो जब डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट लेस देन माइनस वन, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, बोलो। यस सर। तो एक केस लेते हैं एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। याद करो पिछले वाले में मैंने ये करा था कि जब हमने डिनोमिनेटर नेगेटिव करा था तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव था तब पाई ऐड हो रहा था, और न्यूमरेटर नेगेटिव था तो माइनस पाई ऐड हो रहा था, याद है? यस सर। तो अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो ऊपर वाला पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो पाई ऐड हो जाएगा, डेरिवेशन वही रहेगी सेम, उससे डिराइव हो ही जाएगा, वो इशू ही नहीं है। और जब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस पाई ऐड होगा। समझ में आ गया? बोलो। यस सर, समझ तो ये है इसका लॉजिकल है। समझ गए? हाँ, ठीक है, अब डिराइव उसी हिसाब से कर लेंगे। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है कि सबसे पहले दोनों ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर देखो, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर के बारे में सोचना ही नहीं है, तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है उस केस में अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव बनता है तो पाई ऐड होगा, और डिनोमिनेटर नेगेटिव के साथ अगर न्यूमरेटर भी नेगेटिव बनता है तो माइनस पाई ऐड होगा। सर इसकी डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है हमें? नहीं, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कराया, हमारे जेई में थोड़ी ना कोई डेरिवेशन आएगा, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि आया कहाँ से, फॉर्मूला है क्या। ओके सर, बस याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं सर, जैसे हमें जैसे x x नेगेटिव दे रखा है तो सर नेगेटिव को बाहर निकाल दिया और फिर ऐसे करके ऊपर वाली फॉर्मूला लगा दिया बाद में। दोबारा बोलो, एक बार दोबारा बोलो। तो जैसे tan इनवर्स ऑफ माइनस x है, मतलब कोई माइनस टू दे रखा नंबर ऐसी, तो फिर माइनस को बाहर ले लिया और फिर एक्स वाई हमेशा ग्रेटर, वो सब अगर हो रहा है तो उसमें कोई मनाही नहीं है, अगर कुछ मैनेज हो जा रहा है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, मेरा मतलब ये था कि मतलब घूम फिर आके फिर पहले वाले फॉर्मूले ये जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा वो ही कर दें फिर माइनस को बाहर निकाल के, कोई इशू नहीं है, जहां पर हो रहा है वहां पे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ भाई। सर नोट कर रहे हैं सर, नोट कर। अच्छा हाँ, तो बोलो ना फिर, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो दो। सर अगर हम इसमें जनरल कंडीशन लेके एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व करके टैन इनवर्स की वैल्यू निकाल ले, और सर फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमने टैन माइनस थीटा का फॉर्मूला सीखा था उसके अकॉर्डिंग करे तो ये आंसर नहीं आएगा क्या? दोबारा बोलना, कुछ बोलना, थोड़ा क्या कुछ लिखता हूँ पहले, कुछ एग्जांपल टाइप बोल के बोलो, कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, बोलो। सर जैसे सपोज हमें x और y की कुछ भी वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, माइनस टू लिख दूं? यस सर। या थ्री लिख दूं? यस सर। अब बताओ सर, अब अगर हम इसको सॉल्व करें फर्स्ट वाले फॉर्मूले से तो सर उसमें हमारा वैल्यू नेगेटिव आएगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, चलो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, नहीं वन प्लस एक्स वाई, ये आएगा तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई फाइव आएगा। ये सर फिर हम इसमें माइनस टेन थीटा, जो माइनस टेन थीटा वाला फॉर्मूला, माइनस टेन इनवर्स वन बाई फाइव आ गया। यस सर। अब अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। फॉर्मूले से क्या है, दोनों का प्रोडक्ट वन से बड़ा है या वन से छोटा है? माइनस सिक्स है ना, पहले वाला जो फॉर्मूला है वो तो वैलिड है यहाँ पर, है ना? छोटा है, इसको छोड़ दो, मान लो यहाँ प्लस होता तो
तो अगर हम फॉर्मूला लगाते दोनों ये प्लस होते, तो अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता तो ये tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 यानी कि tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 आ जाता। बोलो। यस सर। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें, ये हो गया आपका tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो बीच वाला फॉर्मूला, तो पाई प्लस करके ये फॉर्मूला लगाएंगे, पाई प्लस करके, तो आंसर बदल रहा है या नहीं बदल रहा? सब बदल रहा है। तो फिर ओके सर, एक और लॉजिकली भी समझो कि यार ये तो सर ने एक फॉर्मूला बोल दिया ये, लेकिन बदल रहा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं? tan इनवर्स 2 की वैल्यू मुझे बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? 0 से पाई बाय 2 आई पॉजिटिव होगी सर, नेगेटिव में फोर्थ और पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? Yes, और sir. इसका भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता है वो यही पता है tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy, उनका तो आंसर नेगेटिव आ गया, क्या ये पॉसिबल है? Yes, तो लॉजिकली करेक्ट हो रहा है या इनकरेक्ट हो रहा है? आंसर इनकरेक्ट हो रहा है, लेकिन जो फॉर्मूला बताया वो अपने आप घुमा फिरा के वापस पॉजिटिव आंसर ला रहा है, तो ये करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? Yes, sir. Yes. अच्छा, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, 1 से बड़ी वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ी है, और ये भी पाई बाई 4 से बड़ा है, तो दोनों का सम मिलाऊंगा तो पाई बाई 2 से बड़ा ही आएगा। देखो आई रहा? यस सर, समझ में आ गया। तो तुम्हें फॉर्मूले यूज करने हैं, बिल्कुल उसमें कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है ना? ओके सर। आगे बढ़े, बेटा लिख लिया? तुम्हें अगला क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन कराऊं? यस सर। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया, एक और कर लो, tan इनवर्स 1 by 5 1 by 7 1 by 3 1 by 8 निकालो ये वैल्यू। रिपीट कर दें क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये नीचे ऊपर चला गया क्या?
tan inverse 1 by 5, 1 by 7, 1 by 3, 1 by 8, in sub का addition. सर काफी अभी अजीब आंसर आ रहा है इसका. पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला बेसिक फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि x into y का प्रोडक्ट 1 by 35 which is less than 1 लगेगा. ये फॉर्मूला कोई भी दो ले ले, मान लो हम अगर ये दो ले ले तो बेसिक फॉर्मूला पहले अप्लाई करो. तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए. बिल्कुल सही है, गुड. बाकी लोग भी करो, हो जाएगा. हाँ पाई बाई फोर, ठीक है, करो करो, कैरी ऑन कैरी ऑन. सर बोलो बोलो. सर अभी जो पूछा था ना सर, जिसमें मैंने बोला था कि अगर दोनों की वैल्यू रैंडम लेके अगर हम वैसे फॉर्मूला लगा के करेंगे फर्स्ट वाला ही, सर अगर उसमें हम tan इनवर्स माइनस फोर tan इनवर्स थ्री को ऐड करें, तो सर एक बार बता दें कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले से फिर वो सर डिफरेंस कैसे आएगा. मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो. जैसे क्या लिखूं सर? tan इनवर्स माइनस टू. सर माइनस टू प्लस tan इनवर्स. इसमें तो फॉर्मूला ही एक ही लगेगा, क्योंकि एक्स वाई क्या है, लेस देन वन है, बात ही खत्म हो गई. तो इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, तभी तो मैंने क्वेश्चन सॉरी सॉरी बीच में माइनस. अच्छा बीच में माइनस, तो टेन वर्स ये ऐसे लिख लू, टेन वर्स ए. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. बीच में माइनस में क्या बताया था मैंने, नीचे वन प्लस एक्स वाई होता है. अगर आपका वन प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स वाई अगर ग्रेटर देन माइनस वन होगा तब तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा. यस सर. और अगर एक्स वाई लेस देन माइनस वन होगा तो फिर हम ये देखेंगे एक्स माइनस वाई. तो एक्स माइनस वाई कितना हो रहा है ये देखो, इसमें माइनस फाइव, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. सर अगर हम जो जनरल फॉर्मूला है फर्स्ट वाला उसी में वैल्यू रख के निकाल के फिर बाद में जो माइनस साइन आएगा उसे एडजस्ट कर दे तो आंसर सेम नहीं, ही आएगा. नहीं, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा. ओके नहीं आएगा भैया. वो जो फॉर्मूला बन रहा है ना वो लॉजिकली बन रहा है, वहां से उसमें से नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर कटेगा ही नहीं ना. जब प्रिंसिपल वैल्यू में कटेगा ही नहीं तो वैलिड ही नहीं होगा ना. ओके सर. ठीक है सर. वो आया नहीं, एक बार आप करके दिखा दीजिए वो ऊपर वाला क्वेश्चन. ये वाला करते हैं. यस सर. कैलकुलेशन सर टफ थी, आ गया लेकिन 1/5, 1/7, 1/3, 1/8 आ गया.
हाँ ठीक है जिनका नहीं आया वो भी देख लो। तो फॉर्मूला बेसिक वाला लगेगा, 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 7 और 8 5 12 और 35 माइनस 134, तो ये हो गया आपका 6 और 17, ये आ गया। और दूसरे वाला था 1/8 और 1/13 था क्या सर? 1/8 1/3 क्या? 1/3 और 1/8, ओके ओके। तो ये आ गया अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 1/3 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका, ये 11 अपॉन 24, और ये होएगा 24 माइनस 1 23 अपॉन 24, ये कट गया। तो ये आ गया टेन इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस टेन इनवर्स 11 अपॉन 23। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23, फिर से लेस देन 1 है, यानी कि फिर से बेसिकली वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, राइट? तो ये हो गया टेन इनवर्स 23 इंटू 6 कितना हो गया? 138 प्लस ये कितना हो गया 17 इंटू 11? 187 और ये कितना हो गया 23 इंटू 17? 391 ठीक है। तो कितना है ये फाइनली tan इनवर्स 138 प्लस 325 और नीचे वाला टर्म क्या आ गया? 325 कट गया, tan इनवर्स 1 व्हिच इज 5/4, सही है ना? यस सर, लिख लो। डन सर। बहुत हाँ लिख लिया सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, लिख लो, एक और करो ट्राई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3, करो सॉल्व। पहले आएगा फिर आएगा कार्तिक करो जल्दी करो। इसमें आसान तब रहेगा जब तुम ये दोनों एक साथ ले लो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 एक साथ ले लो
और tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x एक साथ ले लो। इसमें एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कुछ इंटरवल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर, फॉर्मूला लगा दिया ना वो मेन वाला, लेकिन वो फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 लेस देन 1 होता है। बोलो। यस सर, तो केस बनेंगे ना इसमें तो। यस, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 ये चीज के लिए वैलिड है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला। बोलो, किसी को डाउट हो तो बताओ, पूछ लो। देखो मैं इसको पूरा पूरा लिख देता हूँ, चलो मैं एक मिनट इसको इरेज कर रहा हूँ। ये होगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये होगा। और ये कब होगा? जब 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स वाई लेस देन 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर आपका 2 से छोटा होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 लेस देन 0, तो ये आपका आएगा माइनस रूट 2 और ये आएगा प्लस रूट 2, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अब इसके राइट हैंड साइड पे आ जाओ, तो ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब 1 प्लस ab पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 प्लस 3x शुड बी पॉजिटिव, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 3। सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? यस सर। बोलो, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब tan इनवर्स काट के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2x आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, तो ये होएगा 2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x और ये हो गया आपका प्लस x क्यूब। तो फाइनली x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। आई थिंक यही आएगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो अगर हम 1 देखें तो नहीं, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, ठीक है, तो x बराबर माइनस 1 इसका एक रूट होगा, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, होगा? यस सर। तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो, दूसरा फैक्टर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट डिवीजन कर रहा हूँ, देखो ये x प्लस 1 है, लाना है x क्यूब, तो यहाँ लिखो x स्क्वायर, आगे x क्यूब, इस x स्क्वायर को 1 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन लाना है माइनस 10x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में मैं माइनस 10x स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, ये ऑटोमेटिकली माइनस 10x आ रहा है, लाना है माइनस 4x, तो प्लस 6 और ऐड कर दो। सही है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये आ गया आपका x इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ से x कुछ आ जाएगा इससे, है ना, इस वाली इक्वेशन से, लेकिन इसके जो रूट्स आएंगे वो 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100, है ना, माइनस 4ac, तो माइनस 4ac से आएगा माइनस 24 अपॉन 2a, तो यहाँ से आएगा x विल बी 10 प्लस माइनस, ये आपका 76 हो गया, तो ये हो गया 8 पॉइंट समथिंग, तो है ना, चेक कर लो फिर, जो भी रूट आएंगे
वो इस इंटरवल में आने चाहिए जो हमने पहले निकाला था कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट टू से रूट टू कॉमा, एक और बात बोली थी तो जो भी बोला था उनके उसमें आने चाहिए। तो जो करेक्टली उसमें आ रहा है वो आंसर सही होगा और दूसरा आंसर गलत होगा। तो दिस इज हाउ इट इज। तो माइनस वाला लेंगे हम। हाँ तो बस, तो इसका आंसर माइनस वन आ जाएगा, बात खत्म। सर इसका ये भी तो आएगा 10 माइनस 8 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, ये भी तो आंसर आएगा शायद इसका। मेरे ख्याल से तो माइनस में आएगा ही नहीं ना, 10 माइनस 8 पॉइंट समथिंग तो पॉजिटिव है ना, जब फिर डिवाइड में 2 भी तो है तो वो सर माइनस माइनस वाला ही आएगा, इसमें प्लस वाला केस नहीं आएगा। सर एक माइनस वन नहीं आएगा और प्लस वाला भी नहीं आएगा केस, क्योंकि माइनस वन बाय थ्री से बड़ा होना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये भी नहीं आ रहा ना सर, ये माइनस वाला केस आएगा ना इसमें। यस सर, माइनस 10 माइनस 8 पॉइंट समथिंग बाय 2। ओके ओके ठीक है, तो जो भी आएगा वो लिख लो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, रूट 19 है ना वो 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, उसको 5 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ओके ठीक है, डन। ठीक है, समझ में आ गया ना अब? यस सर। यस सर ठीक है सर, तो एक्स की दो वैल्यू हो जाएंगी ना यहाँ पे। हाँ दो वैल्यू आ जाएंगी। एक क्वेश्चन, आज क्वेश्चन और देता हूँ अच्छा सा कोई निकाल के। सर एक्स की दो वैल्यू कैसे आएंगी सर? एक माइनस वन आएगा। सर माइनस वन क्यों आएगा सर? एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन बाय थ्री होना चाहिए ना। अच्छा ग्रेटर है वो, अच्छा तो ठीक है, माइनस वन भी नहीं आएगा, सही तो है। ठीक है ठीक है सर, क्यों? और माइनस छोटा तो मतलब बेसिकली ये वाला इंटरवल आ गया ना, माइनस वन बाई थ्री से माइनस रूट टू के बीच की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। ओके सर ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो सर। एक्स की मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का भी कोई मेथड है, मतलब देख के बता देगी कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके? नहीं नहीं ऐसे देख के कुछ नहीं बता पाओगे, वो तो क्वाड्रेटिक या वो अगर इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है तो तीन सॉल्यूशन तो होंगे ही, लेकिन तीनों वैलिड होंगे या नहीं ये थोड़ी ना पता है, कोई इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे अगर कोई पूछे यार इसके कितने रूट्स हैं x के पार n बराबर 1 के, तो ये nth डिग्री इक्वेशन है तो रूट तो n ही रूट्स है, लेकिन n में से कितने रियल है कितने इमेजिनरी है ये थोड़ी ना पता है। ओके ना, देख के तो नहीं पता ना, करके ही पता लगेगा। ओके सर ठीक है, तो थोड़ा ऊपर करना, नोट करना। क्या बेटा? सर नोट करना, थोड़ा नीचे कर दीजिए। अच्छा नीचे कर दो। ठीक है लिख लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर वैसे सर मैंने अभी देखा सर, इसका वैसे कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए एक्स का इसमें। क्यों? क्यों सर? सर क्योंकि माइनस वाली भी है वो भी 0.5 के अराउंड आएगी ना। नहीं माइनस चेक कर लो ना, मैंने चेक नहीं करा है, तुम लोग अपने आप चेक कर लो, अगर नहीं आएगी तो नहीं होगा सॉल्यूशन। सर इसका कोई भी नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये भी माइनस 0.5 के अप्रोक्स आएगी वैल्यू। तो माइनस 0.5 क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तक की वैल्यू अलाउड है, ये देख लेना तुम। सर आ रही है, इसमें ही आ रही है सर, 5 माइनस रूट 19 आ रहा है इस रेंज में। ठीक है फिर आ रहा है तो ठीक है।
ठीक है आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity एक सेकेंड हाँ टेन इनवर्स 1/n² + n+1 करो ट्राई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको म्यूट कर दिया शायद किसी ने। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है बताओ ये हो रहा है या बताऊं? सर अभी कर रहे हैं। देखो थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके आगे लिख लो इम्पोर्टेंट करके। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर -π/4। इसका आंसर आंसर तो नहीं पता है मुझे, देख लेता हूँ चेक कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बोलो। यस सर। तो फॉर्मूला लग गया टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + ab सर। टेन इनवर्स n+1 - tan inverse n बस हो गया। अब n को 1 to infinity करके आगे बढ़ा दो। तो जब हम n को 1 to infinity करके आगे बढ़ाएंगे तो जब n 1 होगा तो tan inverse 2 और ये हो गया tan inverse 1। n 2 होगा तो tan inverse 3 माइनस tan inverse 2। n 3 होगा तो ये आएगा tan inverse 4 माइनस tan inverse 3 एंड सोन 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 ऐसे चलता रहेगा। तो देखो अब कौन कौन सा कट रहा है वो चेक कर लेना। जैसे मैं अगर 3 ब्रैकेट ले रहा हूँ, ये 3 ही ब्रैकेट ले रहा हूँ, मान लो ये 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 ये, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आगे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से यही बचेगा बस tan inverse 1 और लास्ट में आपका tan inverse of infinity बच जाएगा क्योंकि tending to infinity है और tan inverse infinity होगा π/2 और वो होगा π/4। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का π/4।
सर माइनस का टेन इनवर्स वन बचा है ना, माइनस का टेन इनवर्स वन है। हाँ तो ठीक है सर, इसे ब्रेक कैसे हो गए थे वो दोनों दो में? टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी का फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। सही है, टेन इनवर्स इनफिनिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? टेन इनवर्स टेन इनवर्स इनफिनिटी पाई बाई टू आता है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस इनफिनिटी माइनस पाई बाई टू आएगा। ओके सर ठीक है। सही है, लास्ट ब्रैकेट की सेकंड लास्ट टर्म है बची हुई। क्या बोल रहे हो? लास्ट ब्रैकेट इसका आएगा अगर मैं एन को एन रख दूं तो टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन आएगा। यस सर। तो ये बचेगा। ओके सर, जब तीन ब्रैकेट थे तो ये बच रहा था, तो जब एन ब्रैकेट होंगे तो ये बचेगा। यस सर। तो ये और ये बचेंगे दो। यस सर। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाला टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एक बचा आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी और एक बचा आपका टेन इनवर्स वन। ओके सर, सिंपल। यस। अच्छा, इसके इनवर्स देखो कि डीपीपी डल गए हैं जो तुम्हारा वो है ईकाइट्स ऐप, तो उस पर डीपीपी स्टार्ट कर दो करने। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।